जय हिंद। आज के क्लास में हम झारखंड के आंदोलन के बचे हुए टॉपिक के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है और इसे इसका अन्य नाम कोल है। मुंडा जनजाति का ही अन्य नाम कोल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, झारखंड की यह तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कोल जनजाति को ही मुंडा जनजाति के नाम से जाना जाता है और यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है। विशिष्ट व्यक्ति कहने का मतलब गांव का राजनीतिक प्रमुख ही मुंडा कहलाता है और मुंडा शब्द का ही सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। इनकी प्रजाति के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड समूह में आता है। इनकी प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड समूह में आता है। नेक्स्ट पॉइंट में, मुंडा स्वयं को होड़ा को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगत कहते हैं। मुंडा क्या कहते हैं कि मुंडा स्वयं को होड़ा को, ठीक है, होड़ो को तथा अपनी भाषा को होड़ो जगत कहते हैं। अपनी भाषा को होड़ो जगत कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खूंटकट्टी कहा जाता है। खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, फूट का अर्थ परिवार होता है। फूट का जो आशय होता है वह परिवार होता है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह, मुंडाओं में जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह होती है वह आयोजित विवाह होती है। इसके साथ ही साथ अन्य विवाह भी हमें देखने को मिलता है मुंडा जनजाति में। उसमें से है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह में क्या होता है, वर वधु की इच्छा इसमें सर्वोपरि माना जाता है। इसमें वर और वधु दोनों की इच्छा सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट विवाह है हरण विवाह। हरण विवाह में क्या होता है, इसमें पसंद की लड़की का हरण कर लिया जाता है। इसमें लड़का द्वारा जो पसंद आती है लड़की, उसे हरण कर लिया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि रावण को सीता पसंद आ गया था, इसलिए सीता को हरण कर लिया था कौन, रावण। इसीलिए इसमें कहा गया है हरण विवाह। हरण विवाह में क्या होता है कि पसंद की लड़की का हरण कर लिया जाता है लड़का के द्वारा। नेक्स्ट विवाह है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है, ससुर के घर सेवा द्वारा उसे वह विवाह, मतलब कि उसको वह विवाह करता है। सेवा विवाह में क्या होता है, ससुर के घर सेवा द्वारा, ससुर के घर उसको सेवा देना पड़ता है तब उसका विवाह होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था संबंधित विभिन्न नामकरण। विभिन्न नामकरण किस प्रकार से होता है उसे हम लोग देखते हैं। युवा ग्रह को मुंडा जनजाति में गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। युवा ग्रह को गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विवाह। विवाह को अरंदी कहा जाता है। विधवा विवाह सगाई के नाम से जाना जाता है। वधु मूल्य को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वधु मूल्य को गोनोंग टका या कुरी गोनोंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान को मुंडा के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत हाथू के नाम से, पंचायत स्थल अखड़ा में ही सारा चीज होता है, जैसे कर्मा पूजा हो गया और अन्य प्रकार के जितने भी नृत्य होता है तो यह सब अखड़ा में ही होता है। तो पंचायत स्थल को अखड़ा के नाम से जाना जाता है। वन स्कूल को खूंट के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वन स्कूल को खूंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तलाक को साकमचारी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। तलाक को साकमचारी के नाम से जाना जाता है। मुंडा परिवार पितृसत्तात्मक होता है, इसमें पिता का ही शासन चलता है। गोत्र को किंदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ सोसो बोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा है। सोसो बोंगा क्या है कि मुंडा जनजाति की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा है। पुरुषों द्वारा धारण किए गए वस्त्र को केरिया के नाम से जाना जाता है या बटोई, केरिया या बटोई एक ही है, तथा स्त्रियों द्वारा, महिलाओं द्वारा धारण किए गए वस्त्र को परेया या उसी का अन्य नाम खंगरिया है। तो ये अभी हम जितना भी देखें या मुंडा जनजाति के बारे में देखें और यह पार्ट वन वीडियो था, इसके जितने भी बचे हुए हैं वह पार्ट टू में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल से लगातार बने रहें और हमारे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।